संत कबीर नगर के धनघटा विधानसभा के रतनपुरा मठिया गांव के रहने वाले हरेंद्र कुमार ने नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया है। वहीं सपा नेता केडी यादव ने हरेंद्र के गांव पहुंचकर हरेंद्र का स्वागत किया। आपको बता दें, सपा नेता केडी यादव के नेतृत्व में सैकड़ों दलित समाज के लोगों ने बसपा छोड़कर सपा का भी दामन थामा है। वहीं सपा नेता केडी यादव ने इस अवसर पर कहा कि समाजवादी पार्टी ही खिलाड़ियों का सम्मान करना जानती है। अगर सपा सरकार बनी तो इस क्षेत्र में मिनी स्टेडियम का निर्माण भी कराया जाएगा और इस होनहार खिलाड़ी के सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हरेंद्र ने कहा कि हम सभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। भरतपुरा मठिया जो दलित बस्ती है, ये हरेंद्र कुमारी जो इंटरनेशनल इंडो नेपाल कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। ये दलित बस्ती के नौजवान हैं, दलित समाज से जुड़े हैं। कल हम लोगों के सूचना मिली तो हम लोगों ने आकर के इस बस्ती में इनका सम्मान समारोह भी रखा गया और पूरी बस्ती के लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण किए हैं और हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे नौजवान को हम लोग जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जो इन्होंने देश का नाम रोशन किया है और एक दलित समाज से होकर के इस नाते और भी हमारा सीना चौड़ा होता है। कालाढुंगी में कैबिनेट मंत्री भगत की अध्यक्षता में ब्लॉक कोटाबाग में श्रम निर्माण में पंजीकृत श्रमिकों को साइकिल, कंबल, सोलर लालटेन, सिलाई मशीन का वितरण किया गया। आपको बता दें कि नए पंजीकृत श्रमिकों और पुराने पंजीकृत श्रमिकों को लंबे समय के इंतजार के बाद आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। दल के कार्यकर्ताओं के आग्रह पर यहाँ श्रम विभाग द्वारा यह कैंप लगाया है, जिसमें लोगों को जो श्रमिक हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको सामान मिल रहा है, विभिन्न प्रकार का साइकिल मिल रहा है, लालटेन मिल रहा है, कंबल मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। आज 500 लोगों की सामग्री यहाँ पर है। अगर यहाँ श्रमिक ज़्यादा होंगे, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा लोगों का होगा, तो दो दिन बाद फिर आकर के कैंप लगेगा और फिर उनको बांटा। आज हमने यहाँ पर निर्माण पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए भवन एवं अन्य निर्माण संनिर्माण कर्मकार बोर्ड के अंतर्गत जो सामान वितरण है वो किया जा रहा है। जितने भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनको साइकिल, सोलर लालटेन, सिलाई मशीन, छाता, कंबल और सैनिटरी पैड इत्यादि का वितरण हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। उत्तराखंड का गठन हुए किस साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आंदोलनकारियों की मांग पर कोई भी सरकार अमल नहीं कर पाई है। ऐसे में आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दी है। आपको बता दें कि नगर निगम के सभागार में उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने एक बैठक की। इस दौरान फैसला लिया कि राज्य गठन के बाद उत्तराखंड आंदोलनकारियों की सुध लेना सरकारें भूल गई हैं। कई बार धरना प्रदर्शन सहित राज्य के मुखिया को ज्ञापन तक भेजे गए, फिर भी राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार ध्यान देने को तैयार नहीं है। ऐसे में आंदोलनकारियों के सामने एक बार फिर राज्य गठन के जैसा आंदोलन करना मजबूरी बनता जा रहा है। हमारी मांगे जो बराबर चली आ रही हैं, 21 साल से हमारा ये राज्य बना और आज 21 साल पूरे हो चुके हैं राज्य बने को, लेकिन आज भी हम अपनी मांगों को लेकर बराबर यहाँ पर धरना पर जो मजबूर होना पड़ा। क्या इसलिए हमने राज्य मांगा था कि हमारा ये राज्य में हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़े? हमने राज्य से ही मांगा था, हमने राज्य से मांगा था हमारे यहाँ के युवा बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, यहाँ पर पलायन रुके, हमारा एक उत्तराखंड का आदर्श राज्य के रूप में यहाँ पर स्थापित हो। सरकार को जो है जो 10% का मामला है या जो पेंशन जिनको मिल रही है उनको जो है पेंशन पट्टा दिया जाए, एक्ट बना करके पेंशन पट्टा दिया जाए, तब जो है वो जो है पेंशन बरकरार रहेगी। दूसरा, एक राज्य निर्माण सेनानी का हमारा बहुत दिन से मामला चल रहा है, राज्य निर्माण सेनानी उनको घोषित कर जाना चाहिए, क्योंकि आंदोलन करने वाला बिजली वाला भी आंदोलन कर रहा, सड़क वाला भी आंदोलन कर रहा, उससे आंदोलनकारी कहलाते हैं। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि वो राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा दिया जाए।
हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में लक्सा पुलिस ने 48 लीटर कच्ची शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पथरी पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने की भट्टी और 10 लीटर लहन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ ही खानपुर पुलिस ने 20 लीटर अवैध शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी को जेल भी भेज दिया गया है। अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के जो है दिशा निर्देशन पे अवैध शराब के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। उसमें जो है कल जो है थाना पथरी पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वो भट्टी चला रहा था शराब की और 10 लीटर लहन बरामद हुआ है। थराली में शैक्षिक सत्र के लिए पठन पाठन और अन्य शैक्षिक गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। शिक्षक सम्मान समारोह में विकास खंड के विद्यालयों के 29 शिक्षक और शिक्षिकाओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसमें माध्यमिक विद्यालयों से 3 शिक्षिकाओं, 11 शिक्षक और 1 प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों से 8 शिक्षक और 2 शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। विकासखंड में माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार श्रीमान खंड शिक्षाचार्य महोदय जी द्वारा ये शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया और चूंकि वो बहुत कर्मठ और ईमानदार, स्वच्छ, सभी के लिए अपने जाने जाते हैं और उनके दिमाग में विचार आया कि क्यों न कि जो हमारे विभिन्न स्कूलों में जो टीचर्स बहुत अच्छा कार्य, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित किया जाए ताकि उनसे प्रेरणा लेकर अन्य टीचर्स भी अच्छा कार्य करें। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी कि परम सरदेह खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं शिक्षकों के द्वारा, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से अपने खंड शिक्षा अधिकारी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें पुरस्कृत किया और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि हम छात्रों के लिए आज तक हमने जितने भी कार्य किए और उसको बेहतर कैसे किया जाए। मैं कहना चाहूँगी कि हम जो शिक्षक हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं को जो उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान मिला है उसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और शिक्षक खंड विकास महोदय जी के द्वारा जो सम्मान दिया गया है उससे हम गौरवान्वित महसूस हुए ही हैं। साथ ही जो हमारे अंदर एक नया नई ऊर्जा का संचार होगा उससे हम अपने बच्चों, अपने छात्रों में और अधिक प्रयास करेंगे जिससे छात्रों का सभी क्षेत्रों में। सितारगंज के नारकमत्ता क्षेत्र में 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि कल दोपहर वार्ड 6 में 2 महिलाओं और निकटवर्ती ग्राम छिद्दा निवासियों में 2 युवकों के शव बरामद किए गए। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। अज्ञात लोगों की तरफ से धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। थराली में पिंडर घाटी की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस साल की पहली बारिश और बर्फबारी से जहां स्थानीय पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के चेहरों पर खुशी लौटी है तो वहीं देश विदेश से भी सैलानियों का खूब जमावड़ा लगा हुआ है। पिंडर घाटी के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रूप कुंड बेदनी बुग्याल आली बुग्याल में पर्यटकों का लगातार आगमन शुरू हो गया है और सैलानी यहाँ पर बर्फ से खेल कर जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं थराली की, कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें नजर आ रही हैं क्योंकि सीजन की पहली बारिश और बर्फबारी हुई है जिसके बाद से ही चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है, दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं क्योंकि अक्सर इस समय का इंतजार हर कोई करता है कि जब पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा तो अपने अपने घरों से हर कोई घूमने के लिए निकल जाता है।
पौड़ी विधानसभा के अंतर्गत रछूली गांव निवासियों ने 2006 में अपनी 55 नाली भूमि आईटीआई भवन के लिए दान की थी। पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट और उस दौर के शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी की तरफ से भूमि पर आईटीआई भवन बनवाने की स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद इस भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। मगर निर्माण कार्य पूरा होने के 2 साल बाद भी अब तक इस भवन में आईटीआई की कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही 2.5 करोड़ की लागत से बना ये भवन दिन प्रतिदिन क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब स्थानीय लोगों की तरफ से प्रदेश सरकार जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि भवन को जनता इंटर कॉलेज परसुणा खाल को दे दिया जाए।